कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, अगर ये तरीका आपने नहीं किया तो आपके शरीर में कुछ भी लगने वाला नहीं है, सब वेस्टेज हो जाएगा। इससे आपकी बॉडी में पूरी तरीके से लगेगी। इस डाइट के पूरे तत्व आपको कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको या तो वीडियो के बीच बता दूंगा या लास्ट बताऊंगा। आपके घर में या दोस्तों या कोई भी अगर ऐसा पतला दुबला है तो आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दो, आप देखना वीडियो को शेयर कर दो, बेचारे इसका भला हो जाएगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मुकुट फिजिकल एकेडमी गुना मध्य प्रदेश में आप सबका स्वागत है और आज आपको लेकर आया हूं मैं कि देसी डाइट से कैसे आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं, आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। देखिए, आपने टाइटल में थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि आपके घरेलू या देसी डाइट से कैसे आप अपने वजन को बढ़ाएंगे और किस प्रकार से आपको इस डाइट को खाना है। देखिए, ये डाइट आप देख लीजिए पहले, तो ये डाइट आपको यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोगों ने बता दी होगी, दिखा दी होगी कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। तो आपको ये डाइट के बारे में तो सबने बताया होगा कि आपको खाना है ये सभी, लेकिन मैं आज आपको इस डाइट के बारे में बीच में बताऊंगा। देखिए, मैं आज आपको वीडियो जबरदस्ती दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी वजन बहुत ही कम था। अभी भी मैं ग्रोथ कर रहा हूं, मेरा वजन बहुत कम था। जब मैं खुद रनिंग करता था तो खूब कैलोरी बर्न होती थी, तो मैं उतना डाइट नहीं खा पाता था, तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी। लोग बोलते थे, क्या है पतला है, दुबला है, कुछ खाया पिया कर, क्या करता रहता है। तो मैं बहुत परेशान हो चुका था इस चीज से, लेकिन फिर किस्मत थी मेरी, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पता चला, अपनी डाइट के बारे में पता चला, मैंने उसको फॉलो किया और मेरा पहले से वजन बहुत गेन हुआ है, बहुत हद तक गेन हुआ है। मैं बहुत दुबला पतला था, अब मैं दुबला पतला इतना तो दिखाई नहीं देता हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो मैंने अपनी डाइट को फॉलो किया। मैं बीच में आपको बताऊंगा, कभी भी मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये डाइट तो आपको खाना ही खाना है, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन आपको इस डाइट को कैसे आपकी बॉडी में पूरी तरीके से लगेगी, इस डाइट के पूरे तत्व आपको कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको या तो वीडियो के बीच बता दूंगा या लास्ट बताऊंगा या कभी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप स्किप कर देते हो वीडियो को, पूरा वीडियो देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, ढूंढते रहोगे यूट्यूब पे, इससे शानदार और बेहतरीन वीडियो देसी डाइट के बारे में नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। और ये आप खाने के बाद में आपका वजन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ये भी गारंटी है मेरी। मैं आपको 5 महीने दे रहा हूँ। आप बोले 5 महीने में, 5 महीने बाद बढ़ेगा, नहीं सुनिए, ये यहाँ पे भ्रमित नहीं कर रहा हूँ मैं आपको कि 1 महीने में 7 दिन में इतना वजन बढ़ा लिया, नहीं। मैं ये आपको 1 महीने फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ इस डाइट को। मैं आपको 5 वीडियो देने वाला हूँ डाइट की। इस वाली वीडियो को पार्ट फर्स्ट है ये। इस वाली वीडियो को आप पहले तो एक वीडियो फर्स्ट है ये, इसको फॉलो करें 1 महीने, फिर ऐसे मैं दूसरी बनाऊंगा उसको दूसरे महीने में उसको फॉलो करें, ऐसे आप 5 वीडियो को 5 महीने फॉलो करके देख लीजिए और आपको 5 महीने बाद में आप वजन करना, आज वजन करने के बाद में अगर वजन नहीं बढ़े ना तो आप कमेंट में आके बोल देना, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं डाइट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, आपको पहले तो एक शर्त है, एक कि आपको थोड़ा बहुत ये डाइट तो खाओगे तो आपको थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। आप डंबल्स उठा सकते हो, आप वेट उठा सकते हो, आप व्यायामशाला जा सकते हो, आप अखाड़ा जा सकते हो। क्योंकि गांव की बात कर रहा हूँ या मैं आपको शहर में देसी डाइट की बात कर रहा हूँ तो मैं देसी चीज़ें ही बताऊंगा। मुगदल है, मुगदल घुमाइए, आपके पास में जो आपके पास में वेट है आप वेट लगाइए, पुशअप्स लगाइए, दंड लगाइए, सपाटे लगाइए, ये आपको लगाना है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ये लगाने के बाद में फिर आपकी बारी आएगी आपकी डाइट की। तो चलिए डाइट का सिलसिला आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप चना देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप चना देख पा रहे हैं। आपको रात को चने गलाना है और आपको चने खाना है। देखिए, आपको ये खजूर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये पिंड खजूर का आपको मतलब आपको आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो छुआरे बोलते हैं इनको, ठीक है, बहुत से लोग खजूर भी बोलते हैं इनको, तो ये छुआरे हैं। ये छुआरों को क्या करना है, आपको रात को गलाना है, आपको रात में इनको छुआरों को गलाना है। सुबह बढ़िया अच्छे से गलाने के बाद में आपको क्या करना है, इनको दूध में डालना है, दूध में डाल के उबाल के, दूध में इसको डालना है उबाल के, और फिर आपको इनको खाना है, ठीक है। ये एक तरीका इसका दूध के साथ ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको अलग अलग बताऊंगा दूध के तरीके के इसी डाइट में से, ठीक है। अब देखिए, चने आप अगर कहीं भी देसी आप गांव से हैं या शहर से भी हैं तो आपको चने आराम से आपके घर में मिल ही जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। छुआरे आपको नॉर्मली आपको ज्यादा ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है दिक्कत आएगी तो छुआरे भी आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। अब आपकी बारी आती है मूंगफली की, तो आपको मूंगफली भी आपको बिल्कुल रात को गलाना है और सुबह आपको इनको खाना है। देखिए, बादाम है, ये थोड़ा है मतलब आपको बादाम आपको लाना पड़ेंगी बस बादाम, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ज्यादा जरूरी था इसलिए मैंने आपको इसमें डाइट में इसको रखा है। तो आपको बादाम, ये ज्यादा नहीं, 8-10 बादाम आप लीजिए,
स्टार्ट में आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल 10-12, 8-10 बादाम लीजिए। इसलिए मैंने इतना कम इसमें रखा ये बादाम भी, मैंने इतनी मैं गलाता हूँ, 8-10 बादाम है ये, इतनी गलाता हूँ, इतनी खाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए ड्राई फ्रूट्स में से, मैंने बादाम आपको दिया है, ठीक है, और आपको ये खजूर, पिंड खजूर आपको दिए हैं, चने हैं और मूंगफली है। अब बात करते हैं, देखिए ये आप देख पा रहे हो पनीर। अब आपके यहाँ अगर गांव में, तो आपके यहाँ गाय भैंस, आपके आसपास गाय भैंस है, तो आप भाई पनीर खुद बना सकते हैं। बहुत सारी वीडियो आप पनीर की देख सकते हैं किस तरीके से बनता है। तो पनीर आपको पनीर लेना है, ठीक है। ये है आलू, देखिए ये आलू आप सब्जी में तो खाते ही होंगे, लेकिन अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आपको आलू को उबालना है, और आलू को आपको उबाल के फिर अलग से खाना है, ठीक है। और इसको उबालते टाइम ध्यान रखना है, इसका छिलका आपको बाद में छीलना है, ठीक है। बहुत सारे वैसे छील के इसको उबालते हैं, लेकिन नहीं, इसको आपको उबालना है और इसको भी आपको खाना है, ठीक है। ये आती है बारी आपकी, वही देखिए दही है। ये दही तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है वेट गेन करने के लिए, आपको दही को लेना है, ठीक है। इसके साथ में आप देखिए ये है केले। अब देखिए बहुत सारे लोग बता दे 1 केले 2 केले, मैं 4 केले खाता हूँ, आप 5 भी 6 भी खा सकते हैं, 7 भी 8 भी। देखिए आपकी बॉडी डाइजेशन आपका ठीक होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं करने वाला। अगर आप व्यायाम करते हैं तो ये केले पानी होता है, एक तरीके से तुरंत पचता है, बिल्कुल पानी होता है, लेकिन अगर आपको व्यायाम तो जरूर करना ही करना है, ठीक है। और देखिए अब मैं आता हूँ ये चावल पे, मैंने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दो डाल रखी है, जो अब मैं आपकी उनकी बारी आ रही, तो वीडियो को स्किप ना करें, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए आपको चावल खाने के टाइम पे आपको चावल को जरूर लेना है, आपको खाने के टाइम पे चावल को जरूर खाना है। ये आप चावल जैसे ही आप, मतलब आप डेली रूटीन में भी आप ले सकते हैं, दाल चावल आप ले सकते हैं, दाल आप बना सकते हैं, दाल के साथ में आप चावल को जरूर जरूर लेना है। चावल के बिना तो आप वेट गेन करने का सोचे भी ना, ठीक है, तो आपको चावल जरूर खाना है। अब मैं बारी करता हूँ ये है भाई देसी धमाका, जो मैं आपसे बोल रहा था कि एक चीज तो आपको बहुत तगड़ी बताऊंगा इसमें मैं, ये है देसी धमाका। अभी पहचान गए हो तो आप बताइए मुझे कमेंट में अभी तक, और नहीं पहचाने तो चलो मैं बता देता हूं इसका नाम। इसका नाम है, हमारे इधर तो खैर इसको महेरी बोलते हैं, आपके इधर शायद रावड़ी भी बोलते होंगे इसको, तो ये महेरी है, रावड़ी है, ये मही में बनती है, तो ये मका की महेरी है, मका की आपको महेरी बनाना है, तो ये महेरी आपको डेली रात को जरूर खाना है आपको ये, तो आप ये डाइट ले सकते हैं। दोपहर में खाना खाना है, दोपहर में बढ़िया रोटी खाइए। देखिए रोटी, बहुत सारे ये सोचते हैं कि डाइट खा लीजिए तो आप रोटी क्या जरूरत, अरे रोटी तो मेन तो आपको उसी से मिलना है, घी वाली रोटी। आप बढ़िया घी वाली रोटी दोपहर में खाना खाते हैं, आप दोपहर में घी वाली रोटी खाइए, और एक घी वाली रोटी और खाना खाने के बाद में ये है आपका ट्रीटमेंट तगड़ा। ये ट्रीटमेंट तगड़ा आपको बता देता हूँ, गर्मी का मौसम आने वाला है, अगर गर्मी का मौसम में आप वीडियो देख रहे हैं तो गर्मी के मौसम में तो ये चीज आपको लेना ही है, अगर आप अदर मौसम में देख रहे हैं तो आपको इसको अवॉइड करना है। तो ये क्या है, ये है मही, ये है मठा, अभी बोलते हैं छाछ भी बोलते हैं इसको, तो ये मठा मही छाछ, ये आपको खाना खाने के बाद में आपको इसको पीना है। देखिए फिर आपका खाना तगड़े तरीके से पचेगा, डाइजेस्ट होगा और आपकी पूरी बॉडी में लगने वाला है। ये आपको बता देता हूँ मैं, ये है दूध का मैंने आपको बताया था, सुबह आप वर्कआउट से करके आओगे, आप एक्सरसाइज लगाओगे या व्यायाम करोगे, उसके बाद छुआरे इसमें उबाल के खोला के आपको ये लेना है, ठीक है। और दही आप खाना खाओगे, दही को आपको खाने के साथ लेना है। अब देखिए, अब ये तो मैंने आपको बता दी, और मैं आपको बोल रहा था कि मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो आपकी डाइट में, मतलब चाहे कुछ भी खा लो, अगर ये तरीका आपने नहीं किया तो आपके शरीर में कुछ भी लगने वाला नहीं है, सब वेस्टेज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, उस तरीके से आप खाना खाना है, और उसी तरीके से आपको अपनी डाइट को खाना है। देखिए मुझे, मेरा बहुत कम वजन था, तो अब जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, अभी मैं बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ा, लेकिन मैं फिट हूँ अभी, बहुत बढ़िया वजन है मेरा, तो क्योंकि मैंने अपने हाइट के हिसाब से अपना वेट कराया, तो डॉक्टर ने बोला आपका वेट सही है, तो मेरा वजन सही आ रहा। अभी आपको क्या करना है कि आपको खाना आपने खाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए, स्किप मत करिए वीडियो को, और अगर स्किप कर दिया तो पूरा वीडियो जाके देख लो, मैं बता रहा हूँ बहुत काम की वीडियो है ये वीडियो, ऐसी वीडियो देसी, ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली। और आपके घर में या दोस्तों या कोई भी अगर ऐसा पतला दुबला है, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दो, आप देखना वीडियो को शेयर कर दो, बेचारे इसका भला हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपकी बहन है, सिस्टर है, भाई है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दो। तो आपको क्या करना है, खाना आपने खाया, खाना खाने के
बाद आपको क्या करना है, कम से कम आप स्टार्ट में 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट तक आप पानी नहीं पीना है। तो साहब कहते हैं झूठा मुँह रहेगा खाना खाया, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना। आपने खाना खाया ठीक है, आपको बिल्कुल हाथ धुले आपने, बिल्कुल इतना सा एक घूंट पानी, एक सी पानी आपको लेना है, बिल्कुल आराम से आहिस्ते से पानी पीना है, और उसके बाद में आपको पानी नहीं पीना है। कम से कम 40-45 मिनट बाद ही आपको पानी पीना है। आपकी बॉडी अपने आप पानी मांगेगी, तब आपको पानी पीना है। क्यों? क्योंकि हमारे दोपहर में खाना खाएंगे तो आपको 40 मिनट बाद पानी पीना है, तुरंत तो आप एक घूंट पानी पी सकते हो। उससे क्या हुआ, आपके पेट में जो अग्नि प्रज्वलित होती है इन सभी चीजों को स्वाहा करने के लिए, देखिए देसी चीज है तो देसी तरीके से समझा रहा हूं मैं, तो उससे क्या होता है आपका खाना पूरी तरीके से पच जाता है, सारे तत्व आपकी बॉडी को लगते हैं और फिर आपका वेट होता है गेन। तो आपको खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है, आपको कम से कम 30 मिनट 40-45 मिनट बाद, एक घंटे बाद आपको पानी पीना है। तो इस तरीके से अगर आपने इस डाइट को फॉलो किया तो निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये है शहद, ये शहद ठीक है। अब इसके बारे में क्या है शहद के बारे में, तो ये मिलेगा आपको अगली वीडियो में, क्योंकि मैं बोला है ना आपको मैं 5 वीडियो देने वाला हूं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो के लिए, और जिनका वजन कम है, जो दुबले पतले हैं, जिनका लगता है कि शरीर कमजोर है, भाई तो आपके लिए वीडियो ये रामबाण खतरनाक होने वाली है, बहुत तगड़ी होने वाली है और बहुत शानदार होने वाली है। तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो देखने के लिए जल्दी मिलेगी। कमेंट में जरूर करें कि आपको अगली वीडियो कब तक चाहिए, इसी के साथ शेयर जरूर कर दें ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।